हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट है रेलवे NTPC 52 वाले स्टूडेंट के लिए। RRB गुवाहाटी जोन के लिए लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के लिए री एग्ज़ाम शेड्यूल यहां पे जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ी खुशखबरी है, वहां पे गुवाहाटी जोन के लिए छात्रों के लिए लैंडस्लाइड और फ्लड्स के कारण यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे, जो कि आपका एग्ज़ाम 15 जून और 17 जून को ही होने वाला था, यहाँ पर बोला गया है। तो नोटिस ऑन 52 एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर पे लेवल 5, 3 एंड 2 फॉर RRB गुवाहाटी के लिए, ये ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। तो देखिए, यहाँ पे इस नोटिस में बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम 15 तारीख और 17 तारीख को यहाँ पे शेड्यूल किया गया था, जो कि यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया था लैंडस्लाइड और फ्लड्स के कारण। यहाँ पे मेन आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया है, और कब कब आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड नंबर में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, तो टेंटेटिवली जो शेड्यूल जारी किया गया है लेवल 5 का, मेन जो मुद्दा हम यहाँ पे डेट की बात करेंगे, ठीक है। तो लेवल 5 का रीशेड्यूल एग्ज़ाम डेट किया गया है, लेवल 5 का 10 अगस्त 2022 को होगा आपका एग्ज़ाम RRB गुवाहाटी जोन का। वही लेवल 2 की अगर हम बात करें तो 11 अगस्त 2022 को आपका लेवल 2 का होगा। वही अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो आपका यहाँ पे 12 अगस्त 2022 को, यानी 3 दिनों में लेवल 5 को 10, लेवल 2 का 11 और लेवल 3 का 12 तारीख को यहाँ पे री एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है RRB गुवाहाटी जोन का, जो कि लेवल 2, 3, 5 का एग्ज़ाम पहले कैंसिल कर दिया गया था लैंडस्लाइड और फ्लड्स के कारण। तो यहाँ पे री शेड्यूल एग्ज़ाम किया गया है आपका डेट लेवल 5 का 10 तारीख को, 10 अगस्त को, लेवल 2 का 11 अगस्त को और लेवल 3 का 12 अगस्त को यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद एक बड़ी अपडेट है, बहुत खुशखबरी भी है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट पूछ रहे थे, क्या पहले जो RRB का एग्ज़ाम हो चुका है, क्या RRB गुवाहाटी जोन का होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा या फिर पहले आएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया है कि कुल मिला के गुवाहाटी जोन के लिए ये होगा। रिजल्ट क्या होगा अभी मैं बात बताऊंगा आपको, पहले मैं इस नोटिस को पूरा पढ़ लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका 10 दिन पहले आपका एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया गया। और देखिए, सिटी इंटीमेशन जो है आपको कॉमन जारी कर दिया जाएगा, यानी कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम है, लेकिन अलग अलग लेवल के लिए, यानी कि लेवल 5, 3 और 2 के लिए एक ही शहर में होगा, लेकिन सेंटर चेंज हो सकता है और तीनों का ही एडमिट कार्ड अलग अलग होगा। यानी जिनका लेवल 2 में है उनका एक अलग एडमिट कार्ड, लेवल 3 का अलग एडमिट कार्ड और लेवल 5 का अलग एडमिट कार्ड होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, बाकी कॉमन चीज़ें हैं आप सबको मालूम होगा। वही अगर हम बात करें कि लेवल 5, 3 और 2 का, जो कि पहले एग्ज़ाम हो चुका है 20 RRB का, RRB गुवाहाटी को छोड़कर, उनका रिजल्ट क्या गुवाहाटी जोन के होने के बाद आएगा, तो देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका रिजल्ट यहाँ पे 20 जुलाई से पहले भी आ सकता है, या फिर ये पूरा RRB के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि गुवाहाटी जोन का यहाँ पर एग्ज़ाम लेने के बाद एक साथ आपका रिजल्ट जारी करे। लेकिन उम्मीद है कि 20 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कारण भी बन रहा है कि इस बार एग्ज़ाम जो हुआ है कि RRB वाइज हुआ है, तो अलग अलग स्टूडेंट किसी भी जोन में मिक्स नहीं हुए हैं, अलग जोन का अलग पेपर, सभी अलग अलग जोन का यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया चल रहा है। तो गुवाहाटी जोन का अलग आपका एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पे अलग प्रोसेस चाहे अगर रेलवे तो कर सकती है। तो आपका रिजल्ट जो है 5, 3 और 2 का, जिनका जिस जोन का 20 जोन का हो चुका है, तो उनका रिजल्ट पहले भी आ सकता है, या फिर अगर हम बात करें कि गुवाहाटी जोन का एग्ज़ाम हो जाए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 तारीख तक तो यही डेट दिया गया है कि लेवल 3 का एग्ज़ाम लेवल 5, 3 और 2 यानी तीसरा नंबर जो लेवल 3 है, 12 तारीख को लास्ट डेट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका अभी एग्ज़ाम होगा, फिर इनका एग्ज़ाम होने के बाद 2 से 4 दिन के बाद लगभग आंसर की आएगा, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। तो यानी कि आपका अगस्त का यहाँ पे आधा पूरा महीना चला जाएगा अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के थ्रू गुवाहाटी जोन का। तो देखिए, अगर गुवाहाटी जोन का होने के बाद अगर पूरे एक ही साथ पूरे गुवाहाटी तो मतलब पूरे जोन का एक ही साथ रिजल्ट जारी करना चाहे गुवाहाटी जोन को लेकर, तो देखिए आपका अगस्त का लगभग 20 तारीख तक जा सकता है अगर एक साथ देना चाहे रिजल्ट। तो अगर ऐसे चाहे तो रेलवे प्रॉपरली सभी जोन का अलग अलग एग्ज़ाम हो ही चुका है, तो रेलवे चाहे तो अभी यानी कि 20 जुलाई को, 20 जुलाई से पहले भी रिजल्ट दे सकता है। अगर रेलवे चाहे कि गुवाहाटी जोन का एग्ज़ाम हो जाए तब दे, तो जाके आपका लगभग 20 तारीख 15 तारीख आपका वहाँ पर यानी कि अगस्त के महीने में पहुँच सकता है। तो जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है सबसे पहले आपको दे दूंगा। वैसे उम्मीद है कि जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उनका जुलाई मंथ के एंड तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, किस टाइपिंग पोस्ट के लिए या फिर नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कब कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, उनका रिजल्ट जरूर जारी कर दिया जाएगा। बाकी जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए।